दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले एक इटरेशन कंस्ट्रक्ट, जिसे हम फॉर लूप के नाम से जानते हैं, को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप के सिंटेक्स को। अगर सिंटेक्स में देखें तो सबसे पहले हमें फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करना होता है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, फिर अपडेट एक्सप्रेशन को स्पेसिफाई करना होगा, फिर फाइनली बॉडी ऑफ द लूप में आप जितने स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अंटिल अ सर्टन कंडीशन इज ट्रू, ये आपको बॉडी ऑफ द लूप में स्पेसिफाई करना होगा। दोस्तों, फॉर लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम लूप में एंटर करने के पहले कंडीशन को चेक करते हैं, इसलिए फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं अपने फॉर लूप के एक एग्जांपल को। अपने एग्जांपल में हम देखें तो हमने सबसे पहले फॉर नाम से एक क्लास बनाया है, फिर एक इंटीजर वेरिएबल नम स्पेसिफाई किया है, फिर फॉर लूप में नम को एक इनिशियल वैल्यू 1 प्रोवाइड किए, और टेस्ट कंडीशन में नम इज लेस देन इक्वल टू 10 को चेक किया। अपडेट एक्सप्रेशन में हमने नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 को यूज किया, और बॉडी ऑफ द लूप में हमने नंबर को प्रिंट लिया है। हमारा ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को हमारे सामने एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा।